मध्य प्रदेश के धार में मजदूरों से उधार के पैसे मांगना कुछ किसानों को महंगा साबित हुआ। पैसे मांगने गए किसानों को मजदूरों ने बच्चा चोर बताकर पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद गांव वालों की भीड़ ने भी किसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। गांव में बच्चा चोरी की एक अफवाह फैली और लोगों की भीड़ अफवाह में अंधी हो गई। बेकाबू भीड़ ने न कुछ जाना न कुछ समझा, बस गिद्ध की तरह कुछ लोगों पर टूट पड़ी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। बच्चा चोरी के शक में जिन लोगों को पकड़ा गया उसके साथ मारपीट का खूनी खेल शुरू हो गया। गुस्से में भरे गांव वाले लाठी डंडे बरसाने लगे। लाठी डंडे क्या, लोगों ने पत्थर तक बरसाने शुरू कर दिए। बेरहमी से मारपीट में लोग लहूलुहान तक हो गए, लेकिन गांव वालों के सिर पर जैसे उन्हें जान से मारने का जुनून सवार। जानवरों जैसा जुल्म सितम ढाने के बाद भी गांव वालों की बेकाबू भीड़ नहीं रुकी, वो लगातार लाठी डंडे बरसाती रही। गांव वालों ने इन लोगों को इतना पीटा कि एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि 5 बुरी तरह घायल हो गए। बेकाबू भीड़ ने एक कार में भी तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। और हम गांव में गए और उन्होंने पत्थर मारना गाड़ी पे चालू कर दिया, तो हम भागे ऐसे ही रोड रोड, तो आगे उन्होंने बोल दिया कि बच्चे चोर, और फिर आगे हमको रोक के गांव में खूब पीटा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चा चोरी के आरोप में जिन लोगों को भीड़ ने पीटा, दरअसल वो कोई बच्चा चोर नहीं थे, बल्कि उज्जैन के रहने वाले 5 से 6 किसान थे, जो मध्य प्रदेश में धार के तिरला थाना क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों से अपना उधार पैसा लेने आए थे। लेकिन जैसे ही ये किसान गांव में पहुंचे, मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया और इन्हें बच्चा चोर बताकर इन पर हमला कर दिया। बच्चा चोरी की अफवाह गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों की भीड़ इनके पीछे पड़ गई। इसके बाद इन लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। तो ये जो गांव वाली पार्टी है, खिड़किया गांव की, तिरला की, इन लोगों ने उनको बुलाया गांव में और पहले उनपे पत्थरबाजी की, उसके बाद इनको चेस किया। चेस करने के बाद बोरलाई गांव के पास इनको पकड़ के इनके साथ मारपीट की। इस मारपीट में जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की भनक सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर वारदात के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। धार के मनावर में आपसी विवाद में घटित हुई घटना बेहद दुखद, ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली होकर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। पूरे मामले की प्रशासन को जांच के निर्देश, जांच कर दोषियों पर सख्त कदम उठाने के निर्देश सीएम ने जहां मामले में जांच के आदेश दिए हैं, वहीं घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी तक जब से कमलनाथ जी की सरकार बनी है, कई बार ऐसा मौका देखने को आया जब इमरजेंसी और काला कानून जैसे दृश्य देखने को मिले। किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, सबके साथ अति होती रही है, लेकिन आज का दृश्य ने मुझे लगता है तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया है। इस तरह से ये पूरा अप्राकृतिक मामला हुआ है, इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए और तुरंत दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। एसपी साहब ने मुझे बोला है कि कोई लेनदेन का वहां का मामला था और उस बात को लेकर इनमें विवाद हुआ है। ये जो जहाँ तक मुझे जो जानकारी जो लगी है, बहुत जल्द हम लोग इसके जांच के आदेश देके इसको जांच करा के जिनने भी ये इस तरह का जो निंदनीय कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जांच के लिए मैं अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसके निर्देश दे रहा हूँ। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 से 4 आरोपियों की पहचान की है और वीडियो के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन एक झूठी अफवाह कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये घटना उसकी तस्दीक करती है। धार से छोटू शास्त्री के साथ आज तक ब्यूरो।